आज के इस वीडियो में हम चार टॉपिक्स पर बात करने हैं। पहला, एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 के फॉर्म कब आने वाले हैं, दिसंबर 2022 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, दिसंबर 2022 की जो आंसर की है जो आने को है वो कब आने वाली है, और तीसरा, क्या जून 2023 और दिसंबर 2023 में एनटीए यूजीसी नेट नेगेटिव मार्किंग लगाने वाला। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स करके ये बतलाइए कि आप किस सब्जेक्ट से नेट की तैयारी कर रहे हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले कमेंट्स कीजिए कि एनटीए यूजीसी नेट किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो सब लोग एक बार अपनी हाजिरी दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर 2022 का रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखो साथियों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक की ऑफिशियली जानकारी का अगर मैं बात करूं तो अभी किसी भी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिसमें डेट को कोई फिक्स किया गया हो। लेकिन लंबे समय से मैं एनटीए यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कह सकता हूं कि 15 अप्रैल तक आप लोगों का जो दिसंबर 2022 की एग्जाम लगी है उसका रिजल्ट आने की 99% संभावना है। तो जितने भी मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं कि रिजल्ट अब आएगा, कब आएगा, तो उन पर ध्यान मत दीजिए। अभी तक रिजल्ट इस वीडियो शूट होने की डेट तक नहीं आया है, और जो रिजल्ट आएगा साथियों वो आएगा लगभग 15 अप्रैल के आसपास। अब मुद्दा नंबर 2, कि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे जो साथियों जुलाई 2023 के होने वाले हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि जुलाई 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म नियम के अनुसार तो अब तक आ जाने चाहिए थे, जिस भी तरीके की सर्किल या चेन चलती है यूजीसी नेट में। लेकिन ये तय है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही अगर संभवत है 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा तो 16 या 17 तारीख को आपके न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे जो अगले 20 दिन तक भरे जाएंगे। अगर आप उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो मान लो 20 अप्रैल को आपके नए एप्लीकेशन फॉर्म जून 2023 के लिए आ गए तो 10 मई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगी, जून के महीने में होने वाली है या फिर जुलाई के महीने में होने वाली है। मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम है इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, लगभग एक महीने तक एग्जाम लगातार चलती है। तो ये लगा लीजिए कि मिड जून या लास्ट जून में एग्जाम स्टार्ट होकर ये जुलाई लास्ट तक ये एग्जाम होने वाली है। तो आप दिन गिन लीजिए कि कितने दिन आपके शेष बचे हुए हैं। अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि नेगेटिव मार्किंग क्या इस बार होने वाली है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा था कि वीडियो के कमेंट्स में एनटीए यूजीसी नेट और उसके साथ आपका सब्जेक्ट जरूर से लिख दीजिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज में आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं, अच्छे नोट्स, अच्छी बुक रिकमेंड आप लोगों को कर सकूं। तो नीचे कमेंट्स में सब्जेक्ट का नाम जरूर से लिख दीजिएगा। देखिए साथ, तो किसी भी प्रकार के एलिजिबिलिटी टेस्ट में आज तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, चाहे वो टीचिंग के लिए, चाहे स्कूल टीचर के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर आप प्रोफेसर के लिए हो। लेकिन आप जानते हो साथियों, लगातार स्टूडेंट्स की संख्या इस फील्ड में बढ़ती जा रही है। मान लो 8-9 लाख स्टूडेंट फॉर्म लगा रहे हैं तो लगभग 50,000 के आसपास ही लोग पास कर पा रहे हैं, और ये 50,000 की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है जब इसके अनुपात में वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए संभवतः आगामी समय में, अभी देख कोई अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः ऐसा हो सके कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 या 1/4 कर दी जाए। तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि भाई जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को पास करके नपेट दीजिए, सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। थैंक यू।